हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक पूरी की पूरी यूनिट है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। ये इसका पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे परपीट्यूटी। इसमें पूरी एक्सरसाइज परपीट्यूटी बेस्ड है। परपीट्यूटी क्या होती है, ये पूरा वीडियो इस परपीट्यूटी टर्म पर ही बेस्ड है पूरा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिंकिंग फंड्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बॉन्ड्स किस तरह कितने तरह के होते हैं, क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जो ईएमआई होती है हमारी डे टू डे लाइफ में, हम लोग ईएमआईज को यूज़ कर रहे हैं हर कोई। जैसे आपके रिलेटिव्स में होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आप खुद होंगे, सब लोग आजकल ईएमआईज को प्रेफर करते हैं कि एक साथ पूरा पेमेंट नहीं देना पड़े, टुकड़ों में पेमेंट्स दे दें। तो ईएमआईज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परपीट्यूटी। अब परपीट्यूटी क्या होता है, अपने आप में कुछ स्पेशल टर्म नहीं है, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। परपीट्यूटी एक तरह का लोन है जिसकी मैच्योरिटी डेट डिसाइड नहीं है। मतलब एक तरह का वो उधार जिसकी मैच्योरिटी डेट डिसाइड नहीं है। मतलब मान लो अगर कोई पर्सन है, वो मुझसे 1,00,000 रुपये ले रहा है 10% इंटरेस्ट पे पर मंथ, सपोज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया मुझे पता है, पर सपोज़ कर लेते हैं, तो वो 1,00,000 रुपये पे 10% मुझे पर मंथ देगा। अब वो कब तक देगा, जब तक वो मुझे पूरा 1,00,000 रुपये वापस नहीं दे देता। तो वो कब तक देगा, जब तक मुझे 1,00,000 रुपये वापस नहीं दे देता। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, परपीट्यूटी, जिसकी मैच्योरिटी डेट डिसाइड नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ भी है, इट इज़ एन एन्यूटी वेयर पेमेंट्स कंटिन्यूज फॉर एवर, अमाउंट ऑफ परपीट्यूटी इज अनडिफाइंड सिंस इट इंक्रीजेज बियॉन्ड ऑल बाउंड एज टाइम गोज ऑन। तो परपीट्यूटी का अमाउंट निकालने के दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला कि अगर हमको पता हो कि पहला जो इंटरेस्ट है वो कब आ रहा है, वो पेमेंट देने के टाइम पे ही अगर उसने पहला इंटरेस्ट दे दिया है तो हम इसमें सेकंड केस को यूज़ करेंगे। और पेमेंट देने के बाद में 1 महीने बाद वो इंटरेस्ट दे रहा है, जनरली क्या होता है, जैसे किसी ने मुझसे 1,00,000 रुपये लिए, तो वो नेक्स्ट मंथ की डेट पे, जैसे 1 महीना हो जाएगा, जिस जो भी टाइम पीरियड हो जाएगा, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट देगा। तो जनरली ये होता है, पर कई बार क्या होता है, हम लोग पहले से ही एडवांस इंटरेस्ट देते हैं। तो इसके दो केसेज हैं। तो पहला केस है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीट्यूटी ऑफ रुपीज़ आर पेएबल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। हर पीरियड के एंड पे अगर रुपीज़ आर वो हमको दे रहा है कोई, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट निकालने का जो अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। अब हर केस के अंदर हर चीज़ में वो हमको कितना रुपए दे रहा है हर मंथ के एंड पे, आर रुपीज़। तो पहला प्रेजेंट वैल्यू का हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, आर अपॉन 1+i होगा पहली इंस्टॉलमेंट, जो पहला वो देगा हमको इंटरेस्ट के साथ। सेकंड जो देगा वो कितना होगा, आर अपॉन 1+i^2। थर्ड मंथ या थर्ड टाइम पीरियड के एंड पे जो देगा वो आर अपॉन 1+i^3। ऐसे करते करते देगा, इनफाइनाइट सीरीज़ है क्योंकि इसमें कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं है। तो इनफाइनाइट टर्म्स के अंदर, इनफाइनाइट टर्म्स के केस के अंदर जो सम ऑफ टर्म्स होती है, सम ऑफ, ये पूरा एक जीपी बना रहा है, तो सम ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमारे सामने आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, आर अपॉन 1+i^2 / 1 - 1/i। तो इसको हम कह सकते हैं आर अपॉन आई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन आई। इसका ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, डेरिवेशन सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - r, ठीक है, ए अपॉन 1 - r। और r क्या है, इसमें कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना आएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो वो कॉमन रेशियो होता है, वो हमने APGP में पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सेकंड केस के अंदर अगर वो इंटरेस्ट पहले ही हमको दे चुका है r का, प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी सेकंड केस के अंदर, अगर उसने पहले महीने हमको आर रुपीज़ दे दिए हैं, तो आगे के महीने की सीरीज सेम रहेगी, ये पूरी की पूरी सीरीज सेम रहेगी आगे के महीने में। तो आगे के मंथ में वो सीरीज सेम दे रहा है, मतलब कि कितने रुपए देगा, प्लस आर अपॉन आई। तो ये दो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला केस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स करेंगे। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं टॉपिक को क्लियर करने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ₹60 मेड एट द एंड ऑफ ईच सिक्स मंथ्स के एंड पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूटी फॉर एवर इफ द मनी इज वर्थ ₹4 कंपाउंडेड
मनी इज़ वर्थ 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब मनी जो है वो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब कि आई की वैल्यू कितनी हो रही है इस केस में 4% सेमी एनुअली, मतलब 4% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक साल में कितनी बार देगा वो इंटरेस्ट, दो बार, तो मतलब कि 4/200, मतलब कि 2/100, मतलब कि 0.02, तो आई की वैल्यू 0.02 हो चुकी है। पी हमको दिया हुआ है, पी कितना है इसमें, पी नहीं, आर हमको दिया हुआ है कितना, ₹60। हमको क्या निकालना है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू और हर महीने के एंड पे दे रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कितना होगा, आर अपॉन आई, यही तो हमने देखा था अभी फर्स्ट केस के अंदर, ये आर अपॉन आई तो होता है पहले केस के, तो पी की वैल्यू हो गई आर अपॉन आई, वो आर कितना हो गया, कितना दिया हुआ है आर, आर हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 60 अपॉन 0.02, डेसिमल हटाते हैं, दो जीरो लगा लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3000 रुपीज़, मतलब 3000 रुपीज़ वो हमको हर महीने के एंड पे देगा जब तक वो पैसा पूरा नहीं चुका देता 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच मनी इज नीडेड टू एंड्योर अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉस्टिंग ₹2500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इनडेफिनेटली इफ द मनी इज वर्थ थ्री परसेंट कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली है मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3%, मतलब 3/100 0.03, ठीक है, आई की वैल्यू 0.03 आ चुकी है। हमको आर दिया हुआ है कॉस्टिंग ₹2500, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, आर की वैल्यू है 2500, बिल्कुल 2500 रुपीज़। अब कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के बिगिनिंग पे दे रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सेकेंड वाला केस हो गया अब की बार, तो सेकेंड वाला केस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, आर प्लस आर अपॉन आई, सिंपल। तो आर की वैल्यू कितनी है 2500 प्लस 2500 अपॉन आई, आई कितना है, आई कितना है हमारा 0.03, इसको सॉल्व करो, दो जीरो लगाओ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ₹858,333.33। तो इतना रुपए ये हर साल के एंड पे देगा, और स्टार्टिंग में उसने कितना रुपए दे चुका है 2500, इज दैट क्लियर, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग इतना रुपए उसका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली, मतलब आई की वैल्यू 0.06, ये तो 6% के अकॉर्डिंग, और क्वार्टरली इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपने आएगा कितना 0.015, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीट्यूटी ऑफ ₹600 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब आर की वैल्यू कितनी है ₹600, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब पी प्रेजेंट वैल्यू वो कितना होगा आर अपॉन आई, आर की वैल्यू कितनी है 600 डिवाइडेड बाय 0.015, कितना होगा 600 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो 15 4 times 60, तो ये हो गया 40,000 रुपीज़, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 40,000 रुपीज़, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हो, फर्स्ट जो टॉपिक है परपीट्यूटी, इसमें केवल दो ही फॉर्मूले हैं, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप स्टार्ट करिए, कोई भी डाउट होता है कॉमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर भी, मैच बाय शिवम सर नाम से मेरा पेज है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंकिंग फंड्स के बारे में, तो वीडियो ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। तो अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये यूनिट को कंप्लीट करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।